गुनाह किसने किया? मांट मीट खिला के तुमने किया, अंडा बंडा खिला के तुमने किया। वैसे व्यासपीठ से ये सब नाम नहीं लेने चाहिए, पर आई एम सॉरी, मैं थोड़ा एक्सपोज कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये उदाहरण है हमारे इतिहास में। और आजकल तो देखो साहब, रसगुल्ला की दुकान पर उतनी भीड़ नहीं है जितनी भीड़ उन दुकानों पर। एक और बात बता दूं, अगर आप मांस खाते हो, अगर आप गंदी चीज खाते हो, आपके विचार कभी शुद्ध नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी होंगे नहीं। और बहुत से लोग को ये गलत फहमी है, हमारे हिंदू दोस्त लोग को, कि उनकी मजहबी किताबें गोश्त खाने से रोकती हैं। ये गलत फहमी है। अगर आप उनकी मजहबी किताब पढ़ेंगे, उनकी मजहबी किताबों में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 अध्याय 5 श्लोका 30, उसमें लिखा है कि भगवान ने कुछ जानवर को खाने के लिए बनाया है, कुछ जानवर को खिलाने के लिए। गॉड हैज क्रिएटेड सम एनिमल्स टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर आप वो जानवर खाते हैं जो खाने के लिए बनाए गए हैं, तो आप कुछ गुनाह नहीं करते। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 30। आगे आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोका नंबर 31 में कहा गया है कि अगर आप वो जानवर का कत्ल करते हैं जो पूजा के लिए बनाए गए, तो आपको कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति अध्याय 5 चैप्टर 5 वर्स नंबर 39 और 40, उसमें लिखा गया है कि अगर आप सैक्रिफाइस में गोश्त खाते हैं, पूजा के लिए गोश्त खाते हैं, तो कोई गुनाह नहीं कर रहे। और कई ऐसे हवाले हैं ऋग्वेदा में जहां लिखा हुआ है कि आप भैंस खा सकते, कितने हवाले हैं ऋग्वेदा जिल्द नंबर 10। और अगर आप महाभारत पढ़ेंगे अनुशासन पर्व अध्याय नंबर 88 जिसका जिक्र मनुस्मृति में भी है, भीष्म से पूछा जाता है, युधिष्ठिर सबसे बड़े भाई है, वो भीष्म से पूछते हैं कि यज्ञा में पूजा में हमें क्या चीज देना चाहिए ताकि हमारे परदादा खुश होंगे, एंसेस्टर्स विल बी हैप्पी। तो भीष्म जवाब देते हैं कि अगर आप भाजी फल और चावल देंगे तो हमारे परदादा एक महीने के लिए खुश होंगे। अगर फल भाजी चावल देंगे एक महीने के लिए, अगर आप मच्छी देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे तो 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए। ये मेन्यू है, पूरा लंबा है। आखिर में कहा जाता है कि अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीने के लिए, और अगर आप गाय देंगे तो 1 पूरे साल के लिए हमारे परदादा खुश होंगे, और अगर आप राइनोसरस देंगे तो हमेशा के लिए खुश होंगे। तो अगर आप हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू मजहबी किताब के अंदर भी गोश्त खाने की ममानियत नहीं है।